Hello students, today we will be solving a problem of class 10 maths from the chapter Quadratic Equations. The question states that if m is chosen in the quadratic equation m square plus 1 times x square minus 3x plus m square plus 1 whole square equals to 0 such that the sum of its roots is greatest, then the absolute difference of cubes of its roots is and the options given are 10 root 5, 8 root 5, 8 root 3, 4 root 3. इस क्वेश्चन में क्वारिटी क्वेश्चन दे रखा है एम स्क् प्लस टाइम एक्स स्क्न थ्री एक्स प्लस एम स्क् प्लस वन होल स्क्स जीरो बोला गया है कि इस क्वेश्चन में m, कुछ इस तरीके से चूज किया गया है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो ग्रेटेस्ट है तो हमको क्यूब्स के रूट्स के के क्यूब्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला पता है और एक्यू माइनस पी क्यू का फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसको लिख लेते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फाबीटा हैं लेट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा अल्फा और बीटा हमने इसके रूट्स मान लिए तो हम जानते हैं वी नो दैट फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा इन दैट केस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए तो इसी चीज को अप्लाई कर देंगे अब जो कि इस क्वालिटी इक्वेशन के भी रूट्स हैं अल्फा और बीटा तो लिख सकते हैं है तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू थ्री अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए सी है हमारे पास एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्टा की वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस वन अब क्वेश्चन में दे रखा है कि एम कुछ इस तरीके से चूज किया गया है ये समूट इट्स रूट जो है वो ग्रेटेस्ट है तो लिख सकते हैं फॉर अल्फा प्लस बीटा बी ग्रेटेस्ट अल्फा प्लस बीटा को ग्रेटेस्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा उसका डी नॉमिनेटर को मिनिमम होना पड़ेगा डी नोम ऑफ थ्री अपॉन एम स्क्सुडी मिनिमम एंड जो मिनिमम ये मिनिमम कब होगा एम स्क्वायर प्लस वन वेन एम की वैल्यू जीरो तो लिख सकते हैं एंड इट इज पॉसिबल ओली वैन एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू वन वेन एम इक्वल टू जीरो जब एम की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एम स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू वन हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा इन दैट केस इन दैट केस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री अपॉन वन एंड अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी एम स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू वन होनी है तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी वन एज एम इक्वस टू जीरो जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थ्री और अल्फा बीटा की वैल्यू वन हो जाएगी अब हमको एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है ऑफ ऑफ क्यूब्स रूट्स का तो लिख लेते हैं वी हैव अल्फा प्लस बीटा इक्व टू थ्री एंड अल्फा बीटा इक्व टू वन नाउ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ Cubes of roots, वो क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब एप डिफरेंस है तो मॉड लगा देंगे अब एक फॉर्मला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब को क्या लिख लेंगे अल्फा माइनस बीटा टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा अब इसको कैसे लिख सकते हैं मॉड अल्फा माइनस बीटा को इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा टाइम्स इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अब सारी वैल्यूज पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थ्री पुट करनी है तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन माइनस फोर इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू वन पुट करनी है टाइम्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थ्री पुट करनी है माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू वन तो नाइन माइनस फोर इज फाइव रूट फाइव नाइन माइनस फोर इज फाइव और अंडर रूट लगा तो रूट फाइव इंटू थ्री स्क्वायर माइनस वन दैट इज एट तो ये आंसर आ जाएगा एट रूट फाइव इसका मतलब कि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो एट रूट फाइव होगा इसका मतलब कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो लिख सकते हैं हेंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या हमने पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ एम अब चूंकि एम को इस तरीके से चूज किया गया कि सम ऑफ रूट्स जो है वो ग्रेटेस्ट होगा तो सम ऑफ रूट्स ग्रेटेस्ट होने के लिए हमने कंडीशन लगाई तो उसके इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थ्री आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई अब एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स निकालना था इसके रूट्स का तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मला अप्लाई कर दिया उसको ए प्लस बी और ए माइ ए इंटू बी के फॉर्म में ब्रेक कर लिया तो ए प्लस बी का मतलब अल्फा प्लस बीटा और ए बी का मतलब है अल्फा बीटा मतलब मतलब उसकी वैल्यू पुट कर ली तो एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ जो क्यूब्स है वो आ गया हमारे पास एट रूट फाइव यही हमारा फाइनल आंसर होगा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अर यूट्यूब चैनल